नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मकर संक्रांति का पर्व आने वाली 14 तारीख को। इस पर्व में दान का विशेष महत्व है। इस वीडियो में हम दान के ही संबंध में बात करेंगे। पुण्यकाल, मकर संक्रांति की कहानी और कौन सी राशि पे क्या दान करना शुभ है, क्या नहीं दान करें, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया है। आज हम यहाँ पे दान के संबंध में बात करेंगे और उन छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको अभी अपना जीवन संभालना है, जिनको अभी पढ़ाई करना है, जिनको छोटी छोटी बीमारियों से संघर्ष करना है, जिनके पीछे माँ बाप को बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अक्सर माँ बाप आते हैं कि मेरा छोटा बच्चा बीमार है, उसको चोट चपेट लगती रहती है, तमाम बाधाएं आती रहती हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मकर संक्रांति के पूर्ण अवसर पर एक दान की चर्चा मैं करता हूं। ऐसे तो ये दान सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन उस चीजों को अगर ध्यान में लिया जाए तो छोटे बालकों के लिए ये दान सबसे सहज और सरल है। इस दान को तुला दान कहा जाता है। शास्त्रों में इस दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जातक के वजन के बराबर वस्तुओं का दान, धन का दान, अनाज का दान, यथाशक्ति जो आपके पास हो उसी के अनुसार आप दान करिए। यह दान जातक की संपूर्ण बाधाओं को समाप्त करता है, उसकी आयु बढ़ाता है, भविष्य को उज्जवल करता है, जो भी समस्याएं हैं सब समस्याओं को समाधान करके जीवन में प्रकाश फैलाता है। यह दान अपने आप में वो सारी पॉजिटिव एनर्जी समेटे हुए है जिसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। आप अगर धन, सोना, इन चीजों का दान न कर सके तो आप अनाज का दान कर सकते हैं। यहां पर एक चीज की जानकारी मैं पूरी नहीं दे पाऊंगा, आप उसको पिछली वीडियो में देखकर कंफर्म कर सकते हैं। अगर बालक की राशि के अनुसार आप उस ग्रह से जुड़े हुए अन्न को या उससे संबंधित कलर वाले वस्त्र को आप तुला दान में प्रयोग करें, उस बालक के लिए विशेष लाभकारी होगा। बालकों का वजन काफी कम होता है, 10, 15 किलो, 20 किलो या 7 किलो, इसी अनुपात में 4 किलो, 5 किलो के बालक होते हैं। बड़ी आसानी से आप अनाज, वस्त्र या कुछ उपयोगी चीजें, खाद्य सामग्रियां आप उसके वजन के बराबर आसानी से दे सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि बालक के राशि के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो किन राशियों पे क्या दान दिया जाए, क्या ना दान दिया जाए, इसकी जानकारी लेके आप दान करें, आपके लिए विशेष फलदायी होगा। यह दान गरीब अमीर सारे लोग कर सकते हैं। उसमें कोई निषेध नहीं है कि आप इन्हीं चीजों का दान करें या इनका दान ना करें। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे बुद्ध के दान करना है तो आप हरे कलर का चारा होता है गाय को ले जाकर बच्चे के वजन के बराबर खिला दीजिए। यह दान भी उसके वजन के बराबर होने के नाते उस बालक के लिए शुभ होगा। इस शुभ मुहूर्त में तुला दान में वस्त्रों का, स्वर्ण का, अन्न का, सभी के दान के बारे में विशेष गुण बताए गए हैं। लेकिन श्रद्धा पूर्वक आप कुछ भी अगर दान करेंगे तो उसका पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश करिए दान करते समय संकल्प जरूर पढ़िए, और संकल्प जो पढ़ें आप, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप संस्कृत बुलवा के मंत्र नहीं बुलवा पाते हैं, तो आप स्वयं गणेश जी का मंत्र पढ़ें या गणेश जी का नाम लें। हिंदी में ही आप अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, जिसको आपको दान देना है उनका नाम, उनका गोत्र और आपकी क्या मनोकामना है,
और किस अवसर पर आप ये दान कर रहे हैं। इन चीजों को बोलते हुए थोड़ा सा जल और अक्षत गिराए और भगवान का नाम लेकर जिसको भी यह दान देना चाहते हैं उसको ले जाकर आप यह दान दे दीजिए। पूर्ण मनोभाव से ये पूरी क्रिया आप करेंगे, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। आपके बालक के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है तो पढ़ने में मन लगेगा। अगर उसकी कुंडली में कोई भी बालिश योग है या किसी आयु में चोट चपेट या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो यह एक अवसर है जिस अवसर पर आप एक छोटी क्रिया से उसको बहुत बड़ी समस्या से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। यह वीडियो हर संक्रमण काल में या हर दान के अवसर में आप देखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मकर संक्रांति ही नहीं, जितने भी शुभ अवसर हो, दान के अवसर या जन्मदिन के अवसर पे आप बालक के वजन के बराबर दान करिए, उसका भविष्य उज्जवल होगा, शिक्षा अच्छी होगी। संकल्प जरूर पढ़ें, कोशिश करें बालक की राशि के अनुसार या कुंडली के अनुसार दान कराएं, यह विशेष शुभकारी होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।